आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो खुलेआम धमकी देता था, एक ऐसा आदमी जो कि मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था, एक ऐसे आदमी की जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे। इनका नाम था बाला साहेब ठाकरे। चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन बाल ठाकरे खुलेआम धमकी देते थे। ये बात है सन 1990 के आसपास की। कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद चरम पर था, कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, अमरनाथ यात्रा चल रही थी। आतंकवादियों ने यात्रा बंद करने की धमकी दे दी और कहा जो भी अमरनाथ यात्रा आएगा वो वापस नहीं जाएगा। तब बाल ठाकरे ने एक बयान दिया कि हज के लिए जाने वाले 99% फ्लाइट्स मुंबई एयरपोर्ट से जाती हैं। देखते हैं यहाँ से कोई यात्रा मक्का मदीना कैसी जाती है। अगले दिन ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। सन 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई तो बाल ठाकरे आपकी अदालत शो में आए हुए थे। जब उनसे कहा गया कि सुना है ये काम शिव सैनिकों ने किया है तो वे बोले यदि ये काम शिव सैनिकों ने किया है तो ये गर्व की बात है। बाल ठाकरे का बचपन का नाम था बाल केशव ठाकरे, जो वक्त के साथ साथ बाला साहेब ठाकरे बन गया। 1980 के दशक में बाला साहेब ठाकरे ने मुसलमानों के बारे में कहा कि ये कैंसर की तरह फैल रहे हैं और देश को इनसे बचना चाहिए। 1950 के आसपास टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इन्हीं के कार्टून छपते थे। इन्होंने 1960 में ये नौकरी छोड़ दी थी। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। उनका मोदी की तरह बिना देखे भाषण देना लोगों के मन को भा गया। उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ एकजुट हो गई थी। बाल ठाकरे जब किसी का विरोध करते थे तो दुश्मनों की तरह, और जब तारीफ करते थे तो ऐसे कि जैसे उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं। 19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में नारियल फोड़कर अपने दोस्तों के साथ पार्टी बनाई शिवसेना, जो आज भी चल रही है। बाल ठाकरे की एक खास बात थी कि वो कभी किसी से मिलने नहीं गए। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर बियर पीने और उनसे मिलने उनके घर आते थे, जैसे नरेंद्र मोदी, माइकल जैक्सन। बाल ठाकरे के कुछ स्पेशल शौक थे सिगार, व्हाइट वाइन एक्सेट्रा। ज्यादातर लोग फोटो या इंटरव्यू में उनके हाथ में पाइप या सिगार होती थी। 1999 में बाल ठाकरे पर 6 साल तक वोट डालने और चुनाव लड़ने पर बैन लगा था, लेकिन बाल ठाकरे ने अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। अपनी मौत से 2 महीने पहले ठाकरे का एक बयान आया कि आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। 17 नवंबर 1912 है बाल ठाकरे का निधन हो गया। इस दिन मुंबई बंद था। अंतिम यात्रा में 5 लाख लोग शामिल हुए। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आवाज उठती है, बाला साहेब, लाखों लोग चिल्लाते रहे, अमर रहे। बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे और ना सांसद, फिर भी उन्हें मरने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को मिलती है। ये रुतबा था बाला साहेब ठाकरे का। तो दोस्तों, ऐसे शेर दिल हिंदू सम्राट के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और उनकी महानता को फैलाइए, ताकि आज जो शिव सैनिक या हिंदू उनके सिद्धांतों को भूल चुके हैं, उनके हिंदुत्व की रक्षा का संकल्प याद दिलाएं। जय श्री राम दोस्तों।